गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल। आई एम हेयर टू टीच यू ईवीएस क्लास सेकंड। ईवीएस में हम करेंगे 18 चैप्टर की रिवीजन। 18 चैप्टर जो है आपका वो है दिस इज अवर अर्थ, यह हमारा अर्थ है, पृथ्वी है। तो हम आज अपने अर्थ के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो पृथ्वी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वी लिव ऑन अर्थ, हम सभी जो है पृथ्वी पे रहते हैं। हम सब एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड टू लिव ऑन द अर्थ, जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं। ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स प्लांट्स भी रहते हैं। दस द अर्थ इज अवर होम, जो अर्थ है हमारा घर है। द अर्थ इज अ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, पृथ्वी जो है उसमें क्या क्या है, उसमें लैंड भी है, वाटर भी है, ये सब चीज़ें हैं। देयर इज अ मोर वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस देन द लैंड, लैंड से ज़्यादा यहाँ पे अर्थ सर्फेस में क्या है, पानी है, ठीक है। अवर अर्थ इज अ ह्यूज बॉल, वी लिव ऑन इट टाइनी पार्ट ऑफ इट, हमारा जो अर्थ है बहुत बड़ा सा बॉल है, आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा सा बॉल है, बस इसमें छोटे से पार्ट में जो है हम रहते हैं। वन थर्ड ऑफ द अर्थ इज लैंड, इसका जो वन थर्ड पार्ट जो है अर्थ का, वन थर्ड पार्ट ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये लैंड से कवर है, ठीक है। टू थर्ड जो अर्थ का जो टू थर्ड पार्ट जो है अर्थ का, मतलब देखो इसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वन देखो वन टू थ्री फोर, ठीक है, ये थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दी। इसका वन थर्ड पार्ट मतलब ये वाला जो पार्ट हो जाता है आपका, वो तो इसके लैंड से कवर है वन थर्ड वाला पार्ट, और जो टू पार्ट जो है इसके दो पार्ट जो है वो वाटर से ही, वाटर में ही भरा हुआ है, ठीक है। ऑन द लैंड देयर आर माउंटेन्स एंड फ्लैट प्लेसेस कॉल्ड प्लेन्स, लैंड पे जो माउंटेन्स है और जो फ्लैट सरफेस है प्लेसेस हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन्स। प्लेन्स किसे बोलते हैं, जहाँ माउंटेन्स है और फ्लैट सरफेसेस हैं या प्लेसेस हैं, ठीक है। देयर आर वाटर बॉडीज लाइक सी, ओशियन, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स, यहाँ पे वाटर बॉडीज क्या क्या है, सी भी है, ओशियंस है, स्ट्रीम्स भी है, रिवर्स भी है, लेक भी है। ओशियन समुद्र हो गया, सी भी समुद्र में हो जाता है, महासागर, ठीक है। लेक्स आपके हो गए जिसे आप वो बोलते हैं झील बोलते हैं, रिवर्स नदी। देयर आर फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स ऑन द अर्थ, ऑल दीज मेक द अर्थ अ ब्यूटीफुल प्लेस, इसमें अर्थ पे क्या क्या है, जंगल भी है और साथ ही साथ रेगिस्तान भी है, जो अर्थ को एक सुंदर ब्यूटीफुल बनाता है। अवर अर्थ इज नॉट परफेक्टली राउंड, हमारा जो अर्थ है परफेक्टली राउंड नहीं है, कैसे, इट इज अ फ्लैटेंड एट द टॉप ऑफ बॉटम लाइक अ ऑरेंज, जो फ्लैटेंड मतलब जो पहला टॉप जो बॉटम जिसका है ऐसा लगता है ऑरेंज की तरह। मूवमेंट ऑफ अर्थ, जो मूवमेंट का अर्थ है वो हम पढ़ते हैं, अर्थ जो रोटेट करता है, घूमता है, ये मूवमेंट करता है, जो हिलता है, तो वो उसके बारे में हम करते हैं। तो रोटेशन, रोटेशन मतलब घूमना जो होता है। द अर्थ इज नॉट अ रेस्ट पॉइंट, मतलब रेस्ट में नहीं रहता, एक जगह थमा हुआ नहीं रहता, रुका हुआ नहीं रहता, वो रोटेट होता रहता है, वो एक ही जगह पे घूमता रहता है। इट इज अ कंटिन्यूसली मूविंग इन द स्पेस, स्पेस में जो अंतरिक्ष में ये मूव करता रहता है। द अर्थ रोटेट्स लाइक अ टॉप, द टॉप इज सेड टू स्पिन अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू इन इट सेंटर, जो इसके सेंटर से जो लाइन्स पास हो रही होती है उससे ये इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो जो है एकदम रोटेट कर रहा होता है। इन द सेम वे द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे वो एकदम एक अपनी ही जगह पे वो राउंड शेप में घूमता रहता है। तो अर्थ जो है 24 घंटे लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन जो लेता है वो 24 घंटे में कंप्लीट करता है। द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, जो पूरा डेली में जो रोटेशन जो होता है वो कंप्लीट जो होता है वो जो रोटेशन डेली का होता है उसको डे और नाइट में करते हैं, ठीक है, डे और नाइट, दिन का और रात में समय, ठीक है। रिवोल्यूशंस क्या है, अब रिवोल्यूशन क्या होता है कि जो अर्थ है जो रोटेट होता है अपने एक्सिस पॉइंट से राउंड करता है, वो सन, सन है, सन देखो आप देख सकते हो ये सन है, ठीक है, सन की तरफ, सन के पास ये मूव करता रहता है, राउंड करता रहता है, तो ये मूवमेंट को बोलते हैं हम रेवोल्यूशन, ठीक है। टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, दैट जो पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन के अराउंड जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो कितने डेज लगते हैं, 365 डेज लगते हैं, ठीक है, दैट इज वन ईयर, मतलब जिसको हम बोलते हैं एक साल, वन ईयर में 365 डेज होते हैं ना। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंजेस इन द सीजन, जो आपका रेवोल्यूशन का अर्थ का होता है, जैसे रेवोल्यूशन होता रहता है तो उसमें चेंजेस बदलते रहते हैं, जैसे कि आपका ये जो है बॉल अर्थ सन के इधर उधर घूमता रहता है तो आपके सीजन्स भी मतलब आते रहते हैं, जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, ये धीरे धीरे सीजन्स में भी चेंज होते रहते हैं, ये घूमेगा तो चेंज नॉर्मल सी बात है। आपका जो ये देखो ये हॉट बॉल है, ठीक है, हॉट बॉल क्या है, सन है,
तो जैसे ये रोटेट होता है तो इस सन की किरणें इस तरफ आ रही, इस तरफ जो जगह होगी उस तरफ वहाँ पे समर सीजन होगा, ठीक है। जिस तरफ इस तरफ का एरिया होता है वो आ जाता है आपका विंटर सीजन, अंडरस्टैंड। जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पड़ रही यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो इस तरीके से ये सीजन्स का भी पता चलता है इस रेवोल्यूशंस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसका एक्सरसाइज है, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है इसमें, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। किससे बना हुआ? लैंड और वाटर से। वन थर्ड ऑफ द अर्थ इज लैंड। वन थर्ड अर्थ का क्या है? लैंड है। टू थर्ड क्या है? कवर्ड है वाटर से। थर्ड में वाटर आएगा। फोर्थ है आपका, द अर्थ इज नॉट परफेक्टली राउंड। द अर्थ जो है वो परफेक्टली राउंड शेप में नहीं है, कम्प्लीटली राउंड शेप में नहीं है। टेक द करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट। टेक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है आपका, द फॉर्मेशन ऑफ अ डेज एंड नाइट्स आर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ इसमें रोटेशन होगा। द चेंजेस इन द सीजन्स आर द रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये रेवोल्यूशन को बताता है। द हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कम्प्लीट होने में अर्थ जो है कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स, तो क्या लेंगे? 24 घंटे। फोर्थ है आपका, हाउ मैनी डेज द अर्थ टेक्स टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन, कितना डेज लेता है अर्थ एक रेवोल्यूशन कम्प्लीट करने में? 365 डेज, यानी कि 1 ईयर, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में। जिन बच्चों ने काम नहीं किया है तो ये फिलअप्स और क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में करेंगे, और बाकी जो फिलअप्स है और टिक द करेक्ट ऑप्शन है बुक में फिल करेंगे। थैंक यू।